पूर्वी, मुझे बाबा की बहुत टेंशन हो रही है। जब से आई कोमा में गई है, उन्हें सदमा लग गया है। उन्हें मैंने कहा भी कि घर चलो, आराम कर लो, पर वो मेरी एक नहीं सुन रहे। ओवी आई के कोमा में जाने से हम लोगों को इतना दुख हुआ है तो बाबा की क्या हालत हो रही होगी। आई नो, तुम्हें पता, इसीलिए मैंने उनसे ज़्यादा जिद भी नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना आई के साथ रहेंगे ना, उतना उन्हें अच्छा लगेगा ना। आई की इस हालत के लिए सिर्फ सोहम दादा जिम्मेदार है। एक्चुअली तुम्हें पता है, वो जब से हमारे लाइफ में आए हैं, हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नजर लगा दिया हमारी लाइफ को। पूर्वी, यहाँ यहाँ बाबा को इतना सदमा लग गया है, और वहाँ सुलोचना जी, वो तो अंदर तक टूट चुकी है। मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। इससे आजी को भी अच्छा लगेगा, हम सब उनके आसपास रहेंगे तो। हाँ ओवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें और बच्ची को देख के आची को अच्छा भी लगेगा। मैं काम करती हूँ, मैं अर्जुन को इन्फॉर्म कर दूंगी। मिस्टर, तुम ये दिन भर क्या लिखते रहते हो? दिखाओ जरा मुझे यहाँ पे। नहीं ओनर। अरे दिखाओ, ऐसा क्या सीक्रेट है जो मैं देख नहीं सकता? ओके, बच्चों के नाम ढूंढे जा रहे हैं। तुम रुको, मैं तुम्हें अपनी डायरी दिखाता हूँ। तो यही पड़ी है, ये देखो। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही बच्चों के नाम ढूंढ रही हो? मैंने भी एक लिस्ट बनाई है। ओनर, मगर ये आपने कब तैयार की? अब कब तैयार की, कैसे तैयार की, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, तुम्हें बच्चों के नाम चाहिए थे, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। तुम्हें बस इनमें से बच्चों के नाम चूज करना है, दैट्स इट। थैंक यू। वेलकम। ओनर, ओनर, वो डॉक्टर गोयल का फोन आया था। अब हाँ, वो मैंने 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 कॉल बैक कर लिया उनको। ओनर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप ठीक है ना? हाँ, क्यों? मतलब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं तो ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो वही डायरी है ना जिसमें हमने हमारे बच्चे के लिए नाम लिखे थे। आप मुझसे छुपा क्यों रहे थे? मिश्री, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वो पल फिर से याद करो। मैं जानता हूं कि तुम जब भी अपने बच्चे के बारे में सोचती हो तो अपसेट हो जाती हो। तुम क्या, मैं खुद अपसेट हो जाता हूं। बच्ची को गोद में ले सकता हूं, उसे हंसते हुए देख सकता हूं, उसके साथ खेल सकता हूं, लेकिन उसे अपनी बेटी नहीं कह सकता। खुद की बेटी का बाप बनकर हमारी बच्ची को गले नहीं लगा सकता। इतने सपने सजाए, उसका नाम रखने से लेकर कौन से स्कूल में पढ़ेगा, पढ़ लिख कर क्या बनेगा, ये तक सोच रखा था। तुम इतना बड़ा दुख कैसे सह रही हो? नहीं, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं, मैं
मैं इस चीज से लड़ना चाहता हूँ। हम दोनों माँ बाप होकर भी हम दोनों मिलकर इस दुख का सामना करके अर्जुन। देखो ना कब से रो रही है। क्यों रो रही है? पूर्वी अच्छा हुआ तुम आ गई, देखो तो कितना रो रही है। मैं पक हाँ हाँ क्या हो गया, क्यों रो रही है? देखा अर्जुन कितनी बदमाश है, मेरे गोदी में थी तो रो रही थी, पूर्वी के गोदी में आती चुप हो गई। तुम्हारी बेटी तो मुझे अभी से परेशान कर रही। अर्चना उठो ना, प्लीज जागो अर्चना। देखो मैं कब से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा हूं। उठो चलो, हमारी पूजा अभी अधूरी है, चलो चलकर वो पूजा पूरी कर लेते। अगर तुम चाहो तो मैं खुद अपने हाथों से फूल तोड़कर लाऊंगा पूजा के लिए। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुमने पापा से क्या मांगा। उस दिन तुम मुझसे कह रही थी कि तुम पापा से ये मांगोगे वो मांगोगे। चलो उठो, चलो चलकर पापा से तुम्हें जो मांगना मांग लेते, उठो ना। देखो अच्छा तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। चलो, बहुत सपने देखे हमने, उन्हें पूरा करना है। चलो ना अर्चना, प्लीज अर्चना। देखो अर्चना प्लीज आंखें खोलो मेरे लिए। अर्चना अर्चना देखो तो कितना रो रही है। देखो अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अरे क्या हो गया बेबी को, चुप नहीं हो रही है। चुप हो जाओ। पंख लगा के आ जा रे निंदिया।
एक बात कहूँ, तुम्हें भी अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सही कह रहे हो ना? आई? हाँ अभी आई। देखो चुप हो गई। वो भी बच्चे को बुला रही होगी ना? मैं उससे नहीं, 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 वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही, तुम खेल सकते हो बच्चे के साथ, इट्स ओके। एक्चुअली पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना। वो अभी जो आई कह के गई, उसके बारे में। देखो मैं जानता हूँ कि ये I shouldn't interfere, but देखो पूर्वी, इस वक्त तुम दोनों पे क्या गुजर रही है, शायद इस बात का पूरा अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि माँ बाप के लिए एक बच्चे को खोना कितनी बड़ी बात है। ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग सिंपथी माँ से ज़्यादा जाहिर करते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तक रखती है, कि एक पिता का बच्चे के जन्म में कोई हाथ नहीं होता। एक पिता भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करता है जितना कि उसकी माँ उससे करती है, और अपने बच्चे के पैदा होने तक दिन रात वो यही सपना देखता है कि उसका बच्चा खुश रहे, अच्छे से रहे। हम श्योर ऑनर ने भी देखा होगा। इस वक्त मैं जानता हूं कि वो किस दौर से गुजर रहा है। ये सब आसान नहीं है तुम दोनों के लिए, फिर भी यूं सबके सामने इतना स्ट्रांग बनकर रहना, देखो मुझे लगता है कि ऑनर टूट चुका है, कोई भी टूट जाएगा। एक्सीडेंट के बाद उसने तुम्हारी, ओवी की, बच्ची की, सबकी जान बचाने के बाद भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। देखो पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये क्या समझाऊं, क्योंकि शायद इन रिश्तों को तुम मुझसे अच्छे से समझती हो, शायद। देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिता बनने के बाद, इस बच्चे की मेरी जिंदगी में आने के बाद, उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि एक बच्चे का एक पिता के लिए क्या दुख होता है, अपनी सारी खुशियां भुलाकर माँ बाप किस तरह से बच्चे को साथ लेकर एक सपना देखने लगते हैं, पूरी रात जाके उसे सुलाना, उसके उसके चेहरे पे एक हंसी देखने के लिए कुछ भी कर देना, ये एक बहुत ही अलग फीलिंग है पूर्वी। मैंने ये सब ये बच्चे के मेरी जिंदगी में आने के बाद महसूस किया है। इसने मुझे एक नई जिंदगी दी है पूर्वी, एक जीने का नजरिया दिया है, एक नई वजह दी है, और मैं समझता हूं कि ये सारी खुशियां तुम भी डिजर्व करती हो, ऑनर भी डिजर्व करता है। जो कुछ भी हुआ है ये हमारे हाथ में नहीं था, इसीलिए अगर हो सके तो वो आज की बात सुन लो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। हाँ I'm sorry अगर मैं कुछ ज्यादा कह गया तो। अजनी ये चुप हो गई, इसे अंदर पालने में लिटा दो। लगता तू आज जल्दी खाना खा रहा है। आप मेरी टांग खींच रही है ना? कोई बात नहीं,
मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, और ये खाना मेरे लिए नहीं है। तो ये तो मैं बाबा के लिए टिफिन ले जा रहा हूँ। मानव के लिए लेके जा रहा है? जी, वहाँ हॉस्पिटल में वो न ढंग से खाते हैं न ढंग से सोते हैं, घर आने के लिए कहा तो वो भी नहीं आते, इसलिए मैंने सोचा घर का खाना लेके जाऊं, ताकि कम से कम इस एग्जर्शन का उनकी सेहत पर कोई असर ना हो। ठीक है, लेके जा मानव के लिए, उसको अच्छी तरह खिलाना, उसकी सेहत का ख्याल रखना और मुझे बताते रहना। ठीक है आजी। सॉरी वो। ठीक है, तू ऐसे क्या देख रहा है मुझे? कुछ नहीं। मैं आता हूं। चलता हूँ आज। सनी ऐसे बुरा लड़का नहीं है, बहुत आज्ञाधारी है, दिल का बहुत अच्छा है। पता है अभी वो घर से बनाया हुआ खाने का डब्बा मानव के लिए लेके गया। उसे मानव के सेहत की चिंता बहुत सताती है। इतना घुल मिल गया हम में, लगता ही नहीं है बाहर से आया हुआ लड़का है। मैंने कहा था ना, ये लड़का अपने तेजू के लिए अच्छा है। कानपुर में हड़ताल है क्या? मैंने तेजू का नाम कहाँ लिया था? मैंने सिर्फ इतना कहा कि सनी अच्छा लड़का है, मैंने ये नहीं कहा वो हमारे तेजू के लिए अच्छा है। तो कुछ भी बोल, लेकिन वो लड़का अपने तेजू के लिए यहाँ आया है, अपने अच्छाई से तेरा दिल जीतने के लिए, ताकि तू तेजू और उसकी शादी के लिए हाँ कह दे। और मुझे भी अब सनी अच्छा लगने लगा है। अर्चना कहाँ गई तू? अरे इस बुड्ढी को भी सनी पसंद आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है, तेरी तीसरी बेटी की शादी भी। अर्चना हॉस्पिटल में गई, मेरा भी यही हाल हो गया। पापा, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं पापा, हमारी अर्चना को कोमा से बाहर निकाल, हम उसके बिना जी नहीं सकते। बच्चे के पैदा होने तक वो यही सपना देखता है कि उसका बच्चा खुश रहे। हम शोर ऑनर ने भी देखा होगा। इस वक्त मैं जानता हूँ कि वो किस दौर से गुजर रहा है, इसीलिए अगर घर हो सके तो वो आज की बात सुन लो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो।